नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भार्गव। नो इंट्रो नो टाइम पास, डायरेक्ट काम की बात। तो दोस्तों, आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ सीपी प्लस का E35A वाईफाई कैमरा का, जो 3 मेगापिक्सल का फुल HD CCTV कैमरा है। और इस कैमरा को चलाने के लिए आपको अलग से कोई भी DVR वायर्स वगैरह का जरूरत नहीं है, मॉनिटर का भी जरूरत नहीं है, सिर्फ एक मेमोरी कार्ड चाहिए। और मोबाइल ऐप से आप कैमरा के लाइव प्रीव्यू को देख पाएंगे और पुराना रिकॉर्डिंग प्लेबैक वो सब भी देख पाएंगे। तो इससे पहले मैंने और भी वाईफाई CCTV कैमराज का अनबॉक्सिंग एंड रिव्यूज करके रखा है, वो सब भी अच्छे कैमराज है। लेकिन ये जो ब्रांड है, ये है सीपी प्लस का ब्रांड, जो सबसे पॉपुलर ब्रांड है। और इतना बड़ा ब्रांड होके भी सीपी प्लस ने उनका दाम ज्यादा नहीं रखा है। और फिलहाल जो कि अमेजन पे ग्रेट रिपब्लिक डे सेल चल रहा है, तो आपको ये वाला वाईफाई इंडोर CCTV कैमरा मिल जाएगा 1299 रुपीज पे। तो इस CCTV कैमरा को खरीदने का जो डिस्काउंट ऑफर लिंक है, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। वहीं से आप इस कैमरा को खरीद सकते हैं डिस्काउंट पे, और ये आता है 1 ईयर के वारंटी के साथ। लेकिन खरीदने से पहले आपको क्या देखना है, इस कैमरा का जो वीडियो क्वालिटी है कैसा है। वैसे सीपी प्लस के ऊपर मेरा भी भरोसा है, और ये जो कैमरा है 3 मेगापिक्सल का है, तो इसीलिए इसका जो वीडियो क्वालिटी है अच्छा होना ही चाहिए। तो वो सब मैं आज टेस्ट करने वाला हूँ, तो इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए अभी करते हैं इसका अनबॉक्सिंग। तो ये हो गया कैमरा का बॉक्स, देखिए यहाँ पे दिखाया है। इस कैमरा को आप रिमोटली मोबाइल फोन से देख सकते हैं। उसके बाद पीछे यहाँ पे लिखा है 3 मेगापिक्सल का कैमरा है, और ये कोई चाइनीज कैमरा नहीं है, ये एक मेड इन इंडिया कैमरा है। उसके बाद नीचे यहाँ पे ऐप को डाउनलोड करने का QR कोड दिया हुआ है, जो एंड्रॉइड एंड iOS दोनों के लिए है। उसके बाद यहाँ पे कुछ फीचर्स लिखा हुआ है, जैसे कि ये एक PTZ कैमरा है, मतलब ये जो कैमरा है आप दाएं बाएं ऊपर नीचे घुमा के देख सकते हैं, 360 व्यू मिलेगा। उसके बाद मोशन डिटेक्शन अलर्ट मिलेगा, मोशन ट्रैकिंग है, IR लाइट्स है, IR लाइट्स मतलब नाइट विजन है। रात में चाहे जितना भी अंधेरा हो, ये कैमरा साफ साफ रिकॉर्डिंग करेगा। तो चलिए अभी करते हैं इसका अनबॉक्सिंग। ये एक बहुत ही अच्छा कैमरा है। तो एक बॉक्स निकला, उसके बाद और एक बॉक्स है जो निकल नहीं रहा है, तो इसके अंदर देखते हैं क्या है, डायरेक्ट निकाल लेते हैं। तो उसके अंदर इसका अडाप्टर और स्क्रू था। तो ये हो गया इसका USB अडाप्टर, जो मोबाइल अडाप्टर जैसा ही है। उसके बाद ये वाला हो गया इसका केबल कैमरा पे पावर देने के लिए। तो ये Type-C वाला केबल है, जो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। वैसे जो वाईफाई कैमराज होते हैं उनमें USB माइक्रो USB केबल होता है, लेकिन ये Type-C वाला है। वाओ, बढ़िया है। उसके बाद ये हो गया स्क्रू, अगर आपको ये कैमरा सीलिंग पे लगाना है तब इसका जरूरत पड़ेगा। उसके बाद इस बॉक्स के अंदर कैमरा है, चलिए निकालते हैं। तो ये हो गया वो सीपी प्लस का इंडोर वाईफाई PTZ कैमरा। तो अभी आप देख सकते हैं, ये वाला हो गया लेंस, उसके बाद चारों तरफ IR लाइट्स है नाइट विजन के लिए, और ये कैमरा ऊपर नीचे ऐसे हो सकता है, उसके बाद दाएं बाएं भी घूम सकता है, जिसको आप कंट्रोल कर पाएंगे मोबाइल ऐप से। उसके बाद यहाँ पे ब्रांडिंग है सीपी प्लस। तो ये हो गया कैमरा का सामने का हिस्सा, ये वाला नीचे का। नीचे यहाँ पे माउंटिंग प्लेट लगा हुआ है, इसको आपको निकालना पड़ेगा। उसके बाद इस बेस प्लेट को सीलिंग पे लगाना पड़ेगा, उसके बाद कैमरा को घुमा के ऊपर में आप ऐसे उल्टा लगा सकते हैं, लेकिन वीडियो उल्टा नहीं आएगा। ऐप में फ्लिप का भी ऑप्शन है, तो ऐसे आप ऊपर में कोने पे कैमरा को लगा सकते हैं। लेकिन इसको इंस्टॉल करने का जरूरत नहीं है, इसको सिर्फ आपको टेबल के ऊपर ऐसे रखना है, उसके बाद ये रिकॉर्डिंग करता रहेगा। उसके बाद पीछे यहाँ पे देखिए, ये वाला हो गया Type-C इनपुट। यहाँ पे जो ये जो केबल मिला था और जो एडाप्टर मिला था, उससे यहाँ पे पावर देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे रीसेट का बटन है। उसके बाद यहाँ पे स्पीकर भी है, देखिए। तो इस स्पीकर से कैमरा के सामने जो भी है उनसे आप बात कर पाएंगे, मतलब इस कैमरा पे माइक भी है, और जो कि माइक है इसीलिए वीडियो में ऑडियो भी रिकॉर्ड होगा। उसके बाद मैंने जैसे आपको बोला था, इस कैमरा पे आपको एक माइक्रो SD कार्ड डालना होगा। तो माइक्रो SD कार्ड डालने का ऑप्शन यहाँ पे है। तो यहाँ पे आप 32 GB, 64 GB या फिर 128 GB का माइक्रो SD कार्ड यहाँ पे डाल सकते हैं, और उसी में रिकॉर्डिंग होता रहेगा। तो मैंने लिया है एक सीपी प्लस का ही मेमोरी कार्ड लिया है। तो ये वाला हो गया सीपी प्लस का 64 GB का एक माइक्रो SD कार्ड। इसका प्राइस है फिलहाल 479 रुपीज। तो इसको भी आप ले सकते हैं। तो चलिए अभी इसको कैमरा पे डाल लेते हैं। तो मेमोरी कार्ड अंदर चला गया है, तो उसी में ही अभी वीडियो रिकॉर्डिंग होता रहेगा। उसके बाद बॉक्स में और भी कुछ है, देखते हैं क्या है। तो बॉक्स में है इसका क्विक इंस्टॉलेशन गाइड। तो यहाँ पे ऐप के बारे में दिया हुआ है, कैसे यूज किया जाता है वो सब दिया हुआ है। तो चलिए मैं इसका जो ऐप है उसको डाउनलोड करता हूँ, और इस कैमरा पे पावर देता हूँ, और उसके बाद इसका जो वीडियो क्वालिटी है मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए अभी कैमरा पे पावर देते हैं। तो अभी आपको इसका जो ऐप है वो डाउनलोड कर लेना है। तो ये जो QR कोड है, मैं इसको स्कैन करूंगा। तो देखिए कैमरा घूम रहा है अभी। तो कैमरा अभी रेडी है, तो अभी इसका ऐप को डाउनलोड करना है। तो ये देखिए, ये वाला हो गया ऐप, ऐप का नाम है EasyCam Plus। तो अभी इसको इंस्टॉल करना है। तो जो ऐप है इंस्टॉल हो चुका है, तो वो वाला हो गया ऐप। चलिए इसको ओपन करते हैं। तो अभी यहाँ पे एग्री करना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे आपको साइन अप करना होगा। तो यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस देके आप एक अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा, उसके बाद कैमरा को उसमें ऐड कर सकते हैं। तो चलिए वहाँ पे टैप करते हैं।
तो अभी यहाँ पे बहुत सारे कैमराज आ गए हैं, तो सिलेक्ट करना है आपको कौन सा कैमरा आपने लिया है। तो ये वाला हो गया वो कैमरा E35A, तो वहाँ पे टैप करेंगे अभी। तो अभी यहाँ पे कैमरा को रिसेट करने के लिए बोला है, लेकिन उसका जरूरत नहीं है क्योंकि कैमरा से वॉइस प्रॉम्प्ट आ रहा है और इसमें एक लाइट होगा जो ब्लिंक करता रहेगा, तो ब्लू लाइट ब्लिंक कर रहा है, तो इसलिए मुझे ये रिसेट करने का जरूरत नहीं है। तो इसलिए अभी मैं नेक्स्ट स्टेप पे टैप कर रहा हूँ, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। तो अभी इस स्टेप में मेरे घर का जो वाईफाई है उसका पासवर्ड मांगा है, तो जो कि ये कैमरा एक वाईफाई कैमरा है, तो इसलिए आपके घर में वाईफाई इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। लेकिन अगर आपके घर में वाईफाई इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो उसका भी सोल्यूशन है, आप इस टाइप का 4G वाईफाई डोंगल ले सकते हैं। तो इनके अंदर आपको एक सिम कार्ड डालना होगा, 4G सिम कार्ड, उसके बाद इसको मोबाइल चार्जर पे लगा के इसमें पावर देते ही इसमें से आपको वाईफाई इंटरनेट मिलेगा जिसको आप कैमरा पे कनेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा इस टाइप का आप 4G राउटर भी ले सकते हैं, इसमें भी आपको सिम कार्ड डालना होगा, उसके बाद इसमें से भी आपको वाईफाई मिलेगा। तो इनका भी लिंक आपको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ मेरे घर का वाईफाई का नाम और पासवर्ड, अभी करेंगे नेक्स्ट। उसके बाद ये जो QR कोड है ये कैमरा को दिखाना है, तो कैमरा ने देख लिया है अभी कनेक्शन हो रहा है, तो इसलिए अभी मैं टैप करूंगा आई हार्ड ए प्रॉम्प्ट पे, तो डिवाइस ऐड हो चुका है, अभी करेंगे डन। अभी नोटिफिकेशन टेस्ट करने के लिए बोला है, वो अभी मैं नहीं करूंगा, आप कर लीजिएगा, कैंसिल कर रहा हूं मैं क्योंकि मुझे इस कैमरा का वीडियो क्वालिटी देखना है अभी। तो अभी यहां पे अपडेट करने के लिए बोला है, तो अपडेट करना ही पड़ेगा, अपडेट नाउ करते हैं, स्टार्ट अपडेट। तो कैमरा अपग्रेड हो गया है, वाईफाई कनेक्शन भी हो गया है। तो ये देखिए कैमरा अभी ऑनलाइन हो चुका है, मतलब ऐप में कैमरा ऐड हो चुका है और यहाँ पे लाइव प्रीव्यू भी आ रहा है, इसको आप फुल स्क्रीन भी कर सकते हैं। तो ये देखिए फुल स्क्रीन हो चुका है। तो अभी आप इस कैमरा को घर पे छोड़ के दुनिया के कहीं से भी स्मार्टफोन पे इस कैमरा के लाइव प्रीव्यू को देख पाएंगे और पुराना प्लेबैक भी देख पाएंगे। और जो कि एक PTZ कैमरा है, इसलिए इस कैमरा को आप यहाँ से लेफ्ट राइट घुमा के देख सकते हैं, उसके बाद ऊपर करेंगे, उसके बाद नीचे करेंगे, तो नीचे भी हो रहा है। तो चलिए अभी इस ऐप में क्या क्या फीचर्स है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले जो है प्लेबैक, तो यहाँ पे टैप करके इसके मेमोरी कार्ड में जो रिकॉर्डिंग हो गया है वो आप देख पाएंगे, लेकिन जो कि कैमरा अभी अभी शुरू हुआ है तो रिकॉर्डिंग ज़्यादा नहीं होगा, फिर भी देखते हैं एक बार। तो ये देखिए अभी प्लेबैक प्ले हो रहा है पुराना वीडियोस, अभी कैमरा को मैंने ढक दिया है, तो ये सब देखिए ये सब हो गया पुराना रिकॉर्डिंग्स। उसके बाद यहाँ पे कैलेंडर भी है, तो ये हो गया कैलेंडर, तो इस कैलेंडर से आप पुराने किसी भी डेट के वीडियोस को देख पाएंगे। तो इसका प्लेबैक बहुत अच्छे से काम करता है, वो मुझे अच्छा लगा, लेकिन क्लाउड रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं है। उसके बाद यहाँ पे रिकॉर्डिंग लोकल रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन है, अभी मतलब वायरलेसली मेरे स्मार्टफोन पे रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो अभी अगर किसी ने कैमरा को चुरा के लेके गया तब भी रिकॉर्डिंग मेरे स्मार्टफोन पे रह जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको स्मार्टफोन पे खाली स्पेस चाहिए होगा। तो मैं अभी स्टॉप कर देता हूँ, तो ये वीडियो मेरे मोबाइल पे सेव हो गया है। तो उसके बाद और भी बहुत सारे फीचर्स है, मोशन ट्रैकिंग है, मोशन डिटेक्शन है, साउंड डिटेक्शन भी है। उसके बाद इस कैमरा पे माइक और स्पीकर भी है, ये देखिए ये वाला हो गया माइक का आइकन, तो इसको दबा के आप कैमरा के सामने जो भी खड़ा है उनसे बात कर पाएंगे। उसके बाद ऊपर में ये वाला हो गया स्पीकर का आइकन, तो इस स्पीकर को ऑन करके आप कैमरा के सामने जो भी बातचीत हो रहा है वो आप सुन पाएंगे स्मार्टफोन पे। उसके बाद ये वाला हो गया PTZ व्हील, तो यहाँ से कैमरा को आप घुमा पाएंगे ऐसे ऊपर नीचे, और फुल स्क्रीन मोड पे भी सभी कंट्रोल्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे भी ये PTZ व्हील है, यहाँ पे ये देखिए यहाँ से भी आप घुमा सकते हैं। उसके बाद ये वाला माइक का आइकन है, रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है, सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो चलिए अभी इस कैमरा का सेटिंग्स पे चलते हैं। तो सेटिंग्स पे जाने के लिए ऊपर में 3 डॉट है, वहाँ पे टैप करना होगा। तो ये सब देखिए अमेजन एलेक्सा और गूगल होम का कनेक्शन यहाँ पे आपको मिल जाएगा, फिलहाल मैं नहीं कर रहा हूँ, आप कर लीजिएगा। और ये कैमरा ऑनवीव भी सपोर्ट करता है, इसलिए आप इस कैमरा को NVR के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, तो वो भी एक अच्छा बात है। रिकॉर्डिंग सेटिंग्स पे चल के देखते हैं, लोकल रिकॉर्डिंग और लूप रिकॉर्डिंग दोनों ऑन है। लूप रिकॉर्डिंग मतलब इसका जो मेमोरी कार्ड है जब वो फुल हो जाएगा तब पुराना वीडियोस डिलीट होगा और नया वीडियोस रिकॉर्ड होगा। और रिकॉर्डिंग मोड है इवेंट रिकॉर्डिंग, उसके बाद नॉन स्टॉप रिकॉर्डिंग भी है। नॉन स्टॉप रिकॉर्डिंग करने से ये 24/7 रिकॉर्डिंग करता ही रहेगा एनी टाइम। और इवेंट रिकॉर्डिंग सिलेक्ट करेंगे तब कैमरा के सामने अगर कोई आएगा तभी रिकॉर्डिंग होगा। तो ये सब था सेटिंग्स। तो चलिए अभी देखते हैं इस कैमरा का वीडियो क्वालिटी कैसा है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इसका वीडियो क्वालिटी देख लीजिए कितना जबरदस्त है और बहुत ही वाइड एंगल है, और ऑडियो भी इसी कैमरा से रिकॉर्ड हो रहा है। तो अभी मैं कैमरा को घुमाऊंगा थोड़ा सा, PTZ करके देखते हैं, PTZ कंट्रोल। तो इसका वीडियो क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, और फिलहाल रूम पे एक लाइट जल रहा है और विंडो ओपन है, वहां पे रोशनी आ रहा है। कितना टाइम हो गया?
नहीं, आपने बोला था कॉल करेंगे तो यहाँ से 30 मिनट लगेगा आपके ऊपर, तो देखते हैं अभी नाइट का वीडियो सैंपल। तो अभी नाइट विजन टेस्ट करेंगे, अभी रात हो चुका है और एक लाइट जल रहा है, अभी इसको मैं ऑफ करूंगा तब कैमरा ऑटोमेटिकली नाइट विजन मोड पे चला जाएगा। तो ये देखिए, ये हो गया नाइट विजन मोड और अभी रूम पे पूरा अंधेरा है फिर भी कैमरा साफ साफ रिकॉर्डिंग कर रहा है, तो मैं कुछ देख नहीं पा रहा हूँ, सिर्फ कैमरा का जो आईआर लाइट है वो देख पा रहा हूँ मैं, और बाकी रूम पे पूरा अंधेरा है, तो इसका नाइट विजन भी बहुत ही अच्छा है। तो दोस्तों, मैंने CP Plus का इस वाईफाई कैमरा का पूरा टेस्ट कर लिया है, तो आखिर में मुझे यह कैमरा बहुत ही अच्छा लगा। इसका जो वीडियो क्वालिटी है सच में बहुत ही अच्छा है, यह 3 मेगापिक्सल का ही है और ऑडियो भी साफ साफ रिकॉर्ड होता है, वो भी मुझे अच्छा लगा। और वो सब तो होना ही था क्योंकि ये जो ब्रांड है CP Plus का है, जो CCTV कैमरा फील्ड में एक बहुत ही बड़ा ब्रांड है, तो उनका वाईफाई कैमरा तो अच्छा होना ही चाहिए था और अच्छा ही है। लेकिन इसमें ऐप हॉटस्पॉट नहीं है, मतलब विदाउट इंटरनेट ये कैमरा काम नहीं करेगा। उसके बाद इस कैमरा का जो ऐप है वो भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा, NVR भी सपोर्ट करता है, तो वो भी मुझे अच्छा लगा। और इसका प्राइस CP Plus ने बहुत ही कम रखा है, फिलहाल आपको ये मिल जाएगा सिर्फ 1299 रुपीज़ पे। सिर्फ आपको इसमें एक मेमोरी कार्ड डालना होगा और मेमोरी कार्ड भी मिल जाता है 350 रुपीज़ में। तो इस कैमरा का लिंक और मेमोरी कार्ड का भी लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, वहीं से आप इसको खरीद सकते हैं। तो अगर आपके घर में, ऑफिस पे या फिर दुकान पे कहीं पे भी CCTV कैमरा नहीं है, तो आप ये वाला कैमरा डेफिनेटली लगा सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा CCTV कैमरा है, लेकिन ये एक इंडोर कैमरा है, ये आउटडोर नहीं है, वाटरप्रूफ भी नहीं है, तो आपको वो ध्यान रखना है। तो इसको आपको अंदर पे ही लगाना है, लेकिन बाहर पे भी लगा सकते हैं जहाँ पे पानी ना गिरे। तो ये था CP Plus का E35A मॉडल का अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू। उसके बाद और एक CP Plus का इंडोर वाईफाई CCTV कैमरा है जो है ये वाला, इसका भी मैं रिव्यू जल्दी ही करूँगा। तो उसका वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल को भी ऑन कर लीजिए ताकि उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको आज का वीडियो काम का लगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और इस तरह के ऑनेस्ट रिव्यूज देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो जल्दी से मिलते हैं एक दूसरे यूजफुल प्रोडक्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।